नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, जब खास करके मेरे पास मेरे लिटिल एंजल है। नाश्ते में वो चावल खराए, उसे रोटी या चावल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ फास्ट फूड के। उसे चिप्स, चॉकलेट, कुरकुरे ये सब पसंद है। आज भाभी कैटफिश या बंगला में जिसे कहते हैं मांगुर मछ, वो बना रही है। हम लोग ये मछली अदरक, जीरा, धनिया ये सब से बनाते हैं, लेकिन भाभी बना रही है कुछ अलग किस्म की। वो बिल्कुल मीट की तरह बना रही है। अदरक, लहसुन, प्याज ये सब देके पहले तेल डाल के उसमें जीरा डाला, अभी मसाला भून रही हैं, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, इसमें मसाला को अच्छी तरह से भूनना पड़ता है। अभी जाएगा पानी। अभी कुछ देर उबलने के बाद इसमें जाएगा फ्राइड मछली। अभी आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला, इलायची, लौंग, दालचीनी। ऐसा पहले लास्ट में घी थोड़ा सा। ऐसा पहले मैंने खाया नहीं था, लेकिन ये खाने के बाद मुझे ये वाला वर्शन ही मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। ये कंप्लीट हो चुका है कैटफिश या मागुर माछेर झोल। अब इसके बाद मैंने बनाया कोलमी शाक कहते हैं इसे बंगला में। ये मैंने दो तरह की साग बनाई, एक तो पाट साग ये वाला एक पाट, दूसरा है कोलमी जिसे कहते हैं, यह है कोलमी। हिंदी में मालूम नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन बंगला में इसे कोलमी शाक कहते हैं। ये हो गया मेरा कोलमी शाक। अब ये बनाऊंगी पाट शाक। पाट को भी हिंदी में क्या बोलते हैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जूट जो जिससे बनता है वो वाला साग, हाँ बंगला में इसे कहते हैं पाट शाक झोल। थोड़ा सा ग्रेवी रहता है इसमें, खाने में बहुत ही टेस्टी। अभी इसमें तड़का दे रही हूँ कलंजी के साथ। अब ये बन चुका है मेरा साग। दो तरह के साग बनाई आज, और फ्रिज में थोड़ा सा छोटा मछली था वो भी बना लिया आलू बैगन के साथ, और इसमें चटनी है। ये कंप्लीट हो गया मेरा दोपहर का खाना। दाल, मीट, साग, छोटा मछली, पनीर, कैटफिश या मागुर माछ, चटनी और कौशा मांसो बंगला में जिसे कहते हैं,
पाठशाग, ये रहा कंप्लीट। इसके बाद हम चले गए घाट जहां पे देवी माँ का विसर्जन होगा। मन तो बहुत ही खराब है, आज दुर्गा पूजा का लास्ट डे था। चारों तरफ नजारा बहुत खूबसूरत है, हम सब चले गए थे देखने। एक के बाद एक विसर्जन हो रहा है। विसर्जन के बाद हम लोगों में विजयादशमी होता है, इसमें तरह तरह के मिठाइयाँ घर वाले और जो बाहर लोग आते हैं बाहर से उनको मिठाइयाँ और नमकीन देते हैं। तो आप सबको विजयादशमी का हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।